हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय टुडेज टॉपिक इज अमीनो एसिड्स। इन दिस टॉपिक आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एंड दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स में जो मेनली फर्स्ट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं। डायरेक्ट सिंथेसिस के लिए हम अल्फा क्लोरो एसिड लेके चलते हैं। ये अल्फा क्लोरो एसिड हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं, जनरली हम हेलवोलार्ड जिलिंस्की मेथड से बनाते हैं। इसकी रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्सेस में अमोनिया लेके उससे कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके चला जाता है और यहाँ पे बन जाता है अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड। तो इस मेथड में जहां हमने आर लिया है, अगर इस आर की जगह हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो आपके पास कोई और अमीनो एसिड बनेगा। आर की जगह मिथाइल लेंगे, फिनाइल लेंगे, तो यू में सिंथेसाइज ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, फिनालिन, दिस टाइप ऑफ मेनी एसिड्स यू कैन प्रिपेयर। सेकेंड रिएक्शन इज कर्टियस। कर्टियस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि मेलोनिक ईस्टर लेके चलते हैं। इथाइल ग्रुप लगा दिया हमने हाइड्रोजन की जगह, तो ये बन गया आपका मेलोनिक ईस्टर। इसका वही, क्योंकि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसकी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हम किससे कराते हैं, इथॉक्सी सोडियम से। इथॉक्सी सोडियम से कराने पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटके और यहाँ पे क्या लग जाता है, Na, तो ये बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक ईस्टर। फिर सेकेंड स्टेप में हम इसकी आर एक्स से, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। आर की वैल्यू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल अलग अलग लेने पे क्या होगा, हमें ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, दिस टाइप ऑफ डिफरेंट एसिड्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास इस तरह से अल्काइल मेलोनिक ईस्टर। अल्काइल मेलोनिक ईस्टर का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं वन मोल ऑफ केएच से, तो क्या होगा, एक ईस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये बन जाएगा COOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक ईस्टर। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, तो क्या होगा, ये जो ईस्टर वाली ग्रुप है ये रिएक्शन करके यहाँ पे हाइड्रोजन वाला अमाइड, एन अमीनो अमाइड बना देता है। फिर इसकी रिएक्शन हम HNO2 से कराते हैं, तो नाइट्रस एसिड जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन करके ये बनाता है एजाइड, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे N3 ग्रुप जुट जाता है। ये अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड होता है जो इसमें भी बनता है, कर्टियस में भी और श्मिट रिएक्शन में भी बनता है। यहाँ हमने इसको किससे बनाया, फिनाइल सॉरी हाइड्रोजन का सॉल्ट लेके उसके ऊपर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो नाइट्रस एसिड यहाँ पे कैसे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे OH, तो HO एंड डबल बॉन्ड ओ, तो इसके ये H2O बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है पहले सॉल्ट, फिर इसमें से भी OH, ये वाला H और ये OH बाहर निकल जाता है और बनता है N डबल बॉन्ड N इस टाइप से। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि तीन नाइट्रोजन एक ही कार्बन पे अटैच्ड है और वो भी जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, एंड दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट में पहले इसमें से क्या होता है, पहले नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो CHCOOCN। अब ये नाइट्रोजन क्या काफी अनस्टेबल है, क्योंकि ये एक ही वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, जबकि नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी होनी चाहिए, इसकी एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है। फिर इसमें जब रीअरेंजमेंट होता है नाइट्रोजन निकलने के बाद, तो ये बन जाता है आइसोसायोनेट ग्रुप, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये एन डबल बॉन्ड सी पे हाइड्रोलिसिस होता है, दो बार OH इधर आता है और दो बार हाइड्रोजन इधर, तो ये तो अमीनो ग्रुप बन गया, साथ में इस ग्रुप का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है KOH और H, तो आपके पास बन जाता है ये अल्फा अमीनो एसिड। R की वैल्यू आप जो भी लेके चलेंगे वही आपके पास रिजल्ट में आ जाएगी R की वैल्यू। सेम इससे मिलती जुलती रिएक्शन होती है श्मिट रिएक्शन। अगर आपने कर्टियस रिएक्शन को समझ लिया तो श्मिट रिएक्शन और भी उससे आसान है। श्मिट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ से वही हम मेलोनिक ईस्टर लेके चलते हैं, उसका पहले हम सोडियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर एल्काइल डेरिवेटिव बनाते हैं, फिर उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं,
और यहाँ पे हम रिएक्शन करा देते बजाय हाइड्रोजन से कराने के हाइड्रोजोइक एसिड HN3, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। इसमें अमोनिया का उल्टा फॉर्मूला होता है, अमोनिया में क्या होता है NH3, इसमें HN3 होता है। तो ये हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेता है ETO से और ये बन जाता है सेम CHRCOO के CONN3। अब जैसे उसमें कर्टियस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकली थी और रीअरेंजमेंट हुआ था, सेम वे में क्या होता है यहाँ पे भी पहले नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, उसमें रीअरेंजमेंट होके ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिल जाता है। तो ये थी आपकी कर्टियस और स्मिट रिएक्शन। इसके बाद आता है डायरप्स की रिएक्शन। डायरप्स की रिएक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो मेलोनिक ईस्टर लिया है, हम मेलोनिक ईस्टर ना लेते, हम लेके चलते हैं साइनो एसिटिक ईस्टर, यानी कि इस COOET की जगह हमने लगा दिया साइनो ग्रुप C(N)। बस तो ये पूरी रिएक्शन सेम वे में चलती है और यहाँ पे साइनो ग्रुप आपके पास रहता है और आपको यहाँ हाइड्रो ये कराने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हो क्योंकि यहाँ पे एसिड है ही नहीं, तो आपको KOH से रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं बनती, यहाँ से आप सीधे यहाँ पहुंच गए। और इसकी रिएक्शन सेम वे में आप फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कराते हो, फिर उसके बाद HNO2 से कराते हो, आपके पास क्या होता है एक N3 वाला सॉल्ट बनता है, फिर उसमें से N2 गैस निकलती है तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो रीअरेंजमेंट होके आपको क्या दे देता है अमीनो एसिड। इसकी नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस में क्या होता है गैब्रिल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रिल थैलामाइड सिंथेसिस जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू सिंथेसाइज प्राइमरी अमीनो ग्रुप कंपाउंड्स। तो इसमें हम क्या करते हैं ये थैलामाइड देते हैं। थैलामाइड को कैसे बनाया जाता है, दिस इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का हम क्या करते हैं पहले एनहाइड्राइड बनाते हैं, तो यहाँ से OH और H2O बाहर निकल जाता है, वो बन जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा देते हैं तो वी गेट दिस थैलिक एनहाइड्राइड में यहाँ पे NH की जगह क्या होता है ऑक्सीजन। ये थैलिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा देते हैं तो क्या होता है ऐसे H2O बाहर निकल जाता है और आपको जो सॉल्ट मिलता है, जो कंपाउंड मिलता है उसको हम कहते हैं थैलामाइड। ये जो थैलामाइड है ये एसिडिक इन नेचर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें दो CO ग्रुप, दोनों के पास ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से अटैच, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों की दोनों, ये दोनों क्या करते हैं ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं इधर, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन किससे विड्रॉ करता है नाइट्रोजन से, और ये नाइट्रोजन किससे करता है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन एज एच प्लस आसानी से चली जाती है, इसलिए जो थैलामाइड है ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये एसिडिक है तो किससे रिएक्शन करेगा बेस से, तो हम इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं KOH से करा देते हैं, तो एसिड गिव्स HIN बेस गिव OHIN, और तो एच और OH क्या होता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो वाटर और ये बन जाता है सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड में जो ये वाला बॉन्ड है वो आयनिक इन नेचर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की नेगेटिविटी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये केवल पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जबकि ये कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, तो ये जल्दी से रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन किससे करेगा क्लोरो एसिडिक ईस्टर से, ये आपने क्लोरो एसिडिक ईस्टर लिया तो यहाँ से क्या होगा ये KCl बाहर चला जाएगा रिएक्ट करके और आपके पास बन जाएगा N क्लोरो एसिडिक ईस्टर थैलामाइड। ये थैलामाइड था लेकिन N से क्या जुड़ गया क्लोरो एसिडिक ईस्टर, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो क्या होगा एक तो इस बॉन्ड पे होगा हाइड्रोलिसिस तो COOH और H नाइट्रोजन को मिलेगा, फिर एक इस बॉन्ड पे होगा तो यहाँ पे COOH तो ये थैलिक एसिड और इसके पास H एक इधर से आएगा एक इधर से, प्लस इस बॉन्ड पे भी होगा ये जो ईस्टर ग्रुप है तो यहाँ आपको मिल जाएगा NH2COOH प्लस थैलिक एसिड। थैलिक एसिड अगेन क्या करते हैं हम दोबारा काम में ले लेते हैं सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए, लेकिन अगर हमें सिर्फ ये वाला अमीनो एसिड नहीं बनाना, हमें क्या करना कोई और अमीनो एसिड बनाना है, तो हम कौन सा मेथड काम में लाते हैं थैलामाइड मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस। थैलामाइड मेलोनिक ईस्टर में हम क्या करते हैं ये थैला जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
थैलामाइड है ये हम एज सच लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम बजाय क्लोरोएसिटिक एसिड से कराने के हम करा देते हैं ब्रोमोमेलोनिक ईस्टर से। ब्रोमोमेलोनिक ईस्टर से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये पोटेशियम और ये ब्रोमीन दोनों क्या होगा, सॉल्ट बना के बाहर चले जाएंगे केबीआर, और ये पूरा ग्रुप मेलोनिक ईस्टर वाला ग्रुप इससे जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एन मेलोनिक ईस्टर थैलामाइड। एन मेलोनिक ईस्टर में आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेलोनिक ईस्टर का हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसे रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन करता है। तो पहले अगर फर्स्ट स्टेप पे हम इसकी इथॉक्सी सोडियम से रिएक्शन कराएं तो ये हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएगा, सोडियम, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथॉक्सी, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक ईस्टर बन जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं या तो बेंजाइल क्लोराइड से या किसी भी आर क्लोराइड से इस तरीके से। तो ये जो क्लोरीन है ये इसके सॉल्ट से रिएक्शन करके और यहाँ पे बना देती है सॉल्ट लाइक दिस CO CO ये N और यहाँ पे बनता है C C के साथ या तो CH2 और बेंजीन ग्रुप या इस पूरे की जगह आप कोई सा भी R ग्रुप ले सकते हो और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है COOET COOET। ये जो बना कंपाउंड ये फर्दर क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड होके जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से भी हाइड्रोलिसिस होता है और यहाँ से भी हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड ग्रुप, यहाँ पे भी एसिड ग्रुप। जब ये दोनों एसिडिक ग्रुप बन जाएंगे तो आपको ये एक तो थैलिक एसिड बाहर आ जाएगा प्लस आपको जो सॉल्ट मिला वो क्या मिला आपको, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर क्या है एक आर ग्रुप, आर में भी बेंजाइल ग्रुप और ये COOH COOH। इसको जब आप हीट करते हो तो क्योंकि एक कार्बन पे क्या है दो COOH ग्रुप है, हीट करने पे क्या होगा इसमें से एक ग्रुप फिनिश हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी और आपको मिल जाएगा अमीनो एसिड। लेकिन R की वैल्यू आप जैसे चेंज करते जाएंगे यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स में क्या है, फर्स्ट स्ट्रेकर सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस में हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं अमोनियम क्लोराइड और KCN से। पहले ये अमोनियम क्लोराइड और KCN आपस में रिएक्शन करके दे गिव NH3 एंड HCN एंड KCl। ये अमोनिया और HCN दोनों ही क्या करते हैं, वन बाय वन एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन जो है अमोनिया का वो ऑक्सीजन पे आ जाता है और NH2 ग्रुप कार्बन पे, तो इस बॉन्ड के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये OH बन जाता है और यहाँ पे NH आ जाता है, NH2 ग्रुप आ जाता है। अब दोबारा इसी के ऊपर क्या होता है एक और बार रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन जो है इधर आ जाता है तो ये बन जाता है H2O और बाहर निकल जाता है और कार्बन के ऊपर कौन आ जाता है, नाइट्रोजन का दूसरा बॉन्ड, तो ये आपको बन जाती है एल्डिमीन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर डायरेक्ट ये बनाना हो तो आप दो हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन इससे करा दो, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O बाहर और कार्बन के पास हाइड्रोजन लिख दो तो कार्बन डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन H, तो ये एल्डिमीन बन जाता है जिसको आप स्टेप वाइज भी पढ़ सकते हो। अब इसके ऊपर HCN रिएक्शन करता है तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन पे पाई बॉन्ड है, अब इस बॉन्ड पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव है तो इसके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन, और ये पार्शियली पॉजिटिव है तो इसके पास क्या आ जाएगा, Cl, तो ये बन जाता है साइनो कंपाउंड। अब इस साइनो कंपाउंड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो साइनो कंपाउंड में क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो तीन बार यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है और ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एसिड ग्रुप में और ये NH2 में। तो हमने देखा हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड से लेके चले और हमें क्या मिल गया, अल्फा अमीनो एसिड। इसी की जैसी एक और रिएक्शन होती है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स, इसमें हम कीटो एसिड लेके चलेंगे। देखो यहाँ हमारे पास ना तो एसिड ग्रुप था ना अमीनो ग्रुप था, हमने दोनों ही खुद ने बनाए थे, लेकिन इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, एसिड ग्रुप हमारे पास पहले से है लेकिन साथ में क्या है कीटो, ये एक है पाइरूविक एसिड जिसमें आप देख रहे हो बीटा कीटो, बीटा के ऊपर क्या है कीटो ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं तो अगेन क्या होगा, दो हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे इस ऑक्सीजन से और इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, ये तो ये भी क्या है एक तरह से इमीन ग्रुप है, सेकेंडरी इमीन ग्रुप है। इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं
हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम तो क्या होता है, दोनों के ऊपर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, पर ये आपको मिल जाता है आर सी एच एन एच टू सी एच टू सी एच, मतलब अल्फा अमीनो सॉरी बीटा अमीनो, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपको बीटा अमीनो एसिड। नेक्स्ट अगर आपने कराया रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स में क्या है, सेम इसी तरीके से हम एक कीटो ग्रुप लेके चलेंगे और इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराने की जगह हम किससे करा देते हैं, NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो सेम वे में रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या लगा रहता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और जब इसका हम रिडक्शन करते हैं तो वो H2O1 के बाहर निकल जाता है और आपको सेम एसिड ग्रुप मिलता है। नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजोन्स, हम हाइड्रोजोन्स बना के भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। कैसे, पहले हम यही कंपाउंड लेके चलेंगे और इसकी रिएक्शन हम बजाय हाइड्रोक्सिल अमीन से कराने के हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से। तो यहाँ मैंने फिनाइल हाइड्रोजीन ले लिया तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है, ये दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बाहर निकालेंगे और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N, इसके पीछे जुड़ा रहेगा NH और ये फिनाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। और इसका जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें इसका रिडक्शन करने के लिए सॉरी जब हम रिडक्शन करेंगे तो एक तो यहाँ पे होगा एक बॉन्ड इधर और ये RCH बन जाएगा, साथ में यहाँ पे भी रिडक्शन होता है और आपको क्या मिल जाता है RCHNH2 प्लस बेंजाइल अमीन। तो ये था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगले में एजोलेक्टोन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड लेके चलते हैं, जैसे हमने ले लिया ये ग्लाइसिन, इसकी रिएक्शन हम बेंजाइल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है बेंजाइल क्लोराइड का ये इसमें से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके और बना देता है एन बेंजाइल अल्फा अमीनो एसिड, इसका दूसरा नाम होता है हिपुरिक एसिड। ये हिपुरिक एसिड अब क्या करता है बेंजाल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, दिस फाइव शोज फिनाइल ग्रुप, सो दिस इज बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड से ये हिपुरिक एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एडिशन, मतलब पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें टॉटोमेरिज्म होती है, कैसे कि ये जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है और ये पाई बॉन्ड जो है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में आ जाता है, तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके पास क्या आ गया OH ग्रुप। इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल दें कैसे H2O इस तरीके से, तो आपको क्या मिलने वाला है ये चीज मिलने वाली है, और अगर हम इसमें पानी डाल दें तो इसको वापस ये कंपाउंड मिल जाता है, तो इसमें इस तरीके से क्या रहता है इक्विलिब्रियम रहता है कि इसमें से पानी निकलता भी है और पानी वापस भी ऐड होता है, क्यों, क्योंकि कभी तो ये टॉटोमर है इस फॉर्म में रहता है तो ये क्या होता है OH और OH में से पानी बाहर निकलता है, लेकिन जब ये इस फॉर्म में नहीं रहता इस फॉर्म में रहता है तब ये क्या होता है, अगर आप इस फॉर्म की रिएक्शन किससे करा दो रिडक्शन कर दो इसका H2PD से, आपने रिडक्शन कर दिया तो इन दोनों के ऊपर एक एक क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा CH2CH, ये मैंने यहाँ लिखा CH2CH COH NHCO, अब यहाँ पे देखो इसमें कोई कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं है। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा इसके पास और इसके पास क्या आ जाएगा OH, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग CH2CHNH2 और ये COH, तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल एलानी। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स में क्या है कि हाइड्रेथोइन सिंथेसिस, हाइड्रेथोइन इन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये यूरिया का NH2NH2CO, यूरिया की रिएक्शन हम एसिटिक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है एसिटिक एसिड है ये CH3COOH, तो COOH का OH और H बाहर चला गया और CH3 का एक H और ये H बाहर चला गया, आपको क्या मिल गया यहाँ पे इस तरह से एक सॉल्ट मिल गया, इसी को हम क्या बोलते हैं हाइड्रेथोइन, इसको अब मैंने फर्स्ट करके लिख दिया हाइड्रेथोइन फर्स्ट। अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं इंडोल 3 कार्बेल्डिहाइड से, दिस इज इंडोल 3 कार्बेल्डिहाइड, इसको मैंने कैसे सिंथेसाइज किया है?
कि ये इंडोल था, इसके ऊपर मैंने राइमर टीमन रिएक्शन करा दी क्लोरोफॉर्म और एनुअल से 340 केल्विन के ऊपर, तो क्या होता है कि यहाँ पे इसके थ्री पोजीशन के ऊपर एक कार्बनडिहाइड ग्रुप आ जाता है। अब कार्बनडिहाइड ग्रुप और हाइड्रेथोइन आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इसके दो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, तो ये एडिशन कम कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। अब ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे कार्बन का जो कार्बनडिहाइड का जो ऑक्सीजन था और इसके जो दो हाइड्रोजन थे वो पानी बना के बाहर निकल गए, तो यहाँ पे आपको मिलता है डबल बॉन्ड। अब अगर आप इसका पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हो तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, एक एक दोनों पे क्या जाएगा हाइड्रोजन। सेकेंड आप उसका क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हाइड्रोलिसिस एक इस जगह पे होता है और दूसरा यहाँ पे होता है, तो सॉरी यहाँ से CONH, तो क्या होगा ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ये पूरा ग्रुप एच सच आ गया, ये रिड्यूस होके यहाँ पे एच और एक एच आ गया, तो इसके पास आ जाता है यहाँ एच ओ एच, तो ये बन गया NH2, और यहाँ से COOH और ये NH2 बाहर, तो ये NH2 COOH बाहर निकल जाता है और ये COOH बन जाता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन। ये एक तरह का क्या है, डाई अमीनो एसिड है, क्योंकि इसमें एक तो ये अमीनो ग्रुप है और एक ये वाला अमीनो ग्रुप है, तो ये अपने आप में बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। तो ये थी इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें हमने दो तीन तरह के अमीनो एसिड्स बनाना सीखे। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने दो वीडियोस और अपलोड किए जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन और इसकी जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है साथ में इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो मैंने डिस्कस किया, आज इसमें मैंने सिंथेसिस डिस्कस किया, नेक्स्ट में वी विल डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल।